तो ये हो गया। दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी क्या वाजिब है या सुन्नत है, तो इस बारे में भी दोनों राय मिलती हैं उलमा की। जो उलमा कहते हैं सुन्नत है, वो भी आम सुन्नत नहीं मानते बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो नहीं करेगा काबिल मलामत होगा। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की राय के मुताबिक ये वाजिब है, और इसकी दलील वही है कि पहली बात तो ये कि इबादत है, और इबादत में एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाती है, क्योंकि एहतियात इसी में है कि इसको अगर वाजिब करार नहीं देते तो बहुत से लोग कुर्बानी का फरीज़ा छोड़ सकते हैं, और इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क़यामत में उनको गुनाह ना मिले, तो इसलिए एहतियात के पहलू को तरजीह जाएगी। और मज़बूत दलील इमाम हनीफा की कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है, मऊ वजद फलमरबन्ना मुसलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश थी और उसने कुर्बानी नहीं की वो हमारी ईदगाह के करीब भी मत भटके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा रहे, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने कुर्बानी नहीं की अपने दौरे खिलाफत में, इससे पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये दलील इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिस्कीन थे, गरीब थे, अगरचे मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये उनकी एक क्वालिटी थी कि इतने मुरब्बा लाखों मुरब्बा मील के मालिक होने के बावजूद वो पेवन ज़्यादा कपड़े पहनते थे। तो साहिब इस्तेताअत पे कुर्बानी वाजिब है। ये दोनों हज़रात बड़े थे मगर कुर्बानी नहीं की इन्होंने, जैसे कि रिवायत में आता है, उसकी वजह इस्तेताअत ना होना। तो इस्तेताअत अगर नहीं है तो फिर कुर्बानी लाजिम नहीं है। बल्कि अगर आप कर्ज़ा लेके कुर्बानी करोगे और ख़तरा है कि मैं कर्ज़ा अदा नहीं कर सकता, तो फिर तो जायज़ ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि दूसरों का हक दबा के आपके लिए इबादत को की बजावरी, ये ठीक नहीं है। इसकी फजीलत क्या है कुर्बानी की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरईद के दिनों में या अय्याम नहर में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है, और हर बाल के बदले में अल्लाह नेकी अता फरमाते हैं। ये कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है, और इसकी फजीलत आप उलमा से बयानात में सुनते हैं। मैं भी चूँकि बहुत मुख्तसर जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ ताकि मैं पूरे मौजू को जल्दी से समेट लूँ।